ये बस हुआ कि वो उमर खालिद खुरासानी एक मामला तो TTP के साथ चल रहे हैं जो खराब हैं, वहां पे कुछ मामला ऊपर नीचे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो TTP के लोग हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। उमर खालिद खोरासानी था जो कि TTP का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में TTP ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का। इस रीजन में फिर से कोई ग्रेट गेम खेलना शुरू हो गया है, और खासकर ऐसे बैकग्राउंड में या ऐसे वाकयात में जब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर TTP के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी। ARY के बारे में पाकिस्तान के इदारों को, खुफिया इदारों को भी, इंटेलिजेंस इदारों को भी, सिविल इदारों को भी, साफियों को भी पता है कि ये 25 साल से रा का एजेंट और रा के एजेंडे पर काम कर रहा है। 25 साल हो गए। इसका मालिक हाजी अब्दर रजाक था जो एक मशहूर क्रिमिनल और स्मगलर था और उसके भारत के साथ रबते थे, कि वो पाकिस्तान की तबाही के कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। हमें पता है कि हमारा मुल्क जब आप एक सबसे बड़ी जमात और फौज के बीच में जो हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया कि हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो पूरी फेडरल लेवल के ऊपर पार्टी है, सारे सूबों के अंदर पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक उस पार्टी का है। तो दोस्तों आपने ये क्लिप देखे, यहाँ पर क्लिप इंटरेस्टिंग क्लिप है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब कमांडर मारा जाता है, जिसके बाद से TDP ने एक डिसीज़न लिया कि अब वो पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे, और तबाही के कुछ मतलब वीडियोस वायरल भी होने लगे हैं। पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ के उनका वीडियो बनाया जा रहा है और उनको गोली मारी जा रही है। ये वीडियो यूट्यूब पर अलाउ नहीं है, तो मैं ये अपलोड नहीं कर सकता हूँ। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट में करता हूँ इस टॉपिक पर डिटेल में बात। इमरान का भी मैंने एक क्लिप डाला, इमरान खान बात कर रहे हैं, कुछ इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में, तो उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। लोग चीजें देख रहे हैं, जो सहाफी खासतौर पे ऑन ग्राउंड है वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं, गन्स भी हैं। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो TTP के लोग हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। और ये जो गवर्नमेंट और TTP की नेगोशिएशन होती, जारी बात है ये खटाई में पड़ रही है। रिसेंटली जो कोर कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उन टॉक्स को डील कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है क्वेटा बहावलपुर कोर में। मेरा ख्याल है दैट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑफेंसिव कोर रिलेटेड टू इंडिया। जबकि ये जो है इधर नए उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो TTP कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि स्वात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जाने दी, बड़ा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने जो है वो और अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कितने साल तक वो मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे, इन बहुत सारे जो TTP के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया। लेकिन थोड़ा अरसा पहले खबरें आई थी कि इनको रिहा कर दिया गया है। ये जो TTP के साथ टॉक्स हुई थी उन टॉक्स में रिहा कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ये डीरेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो TTP के जो मिलिटेंट्स दोबारा सवात में आए हैं, इनके पास जैसे मैंने पहले बताया गन्स तो हैं और ये एक्सटॉर्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं सुनने में ये भी आया कि जो TTP के लोग हैं वो जब सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें जो TTP की लीडरशिप है जो कि अफगानिस्तान में बैठी हुई है और जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं। और इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आए। और जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली TTP के लीडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने करवाया होगा, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि किसने करवाया क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि TTP ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरल किसी और ने करवाया हो, लेकिन जारी गेम खेलना शुरू हो गया है, और खासकर ऐसे बैकग्राउंड में या ऐसे वाकयात में
जब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर टीटीपी के साथ मुज़ाकराती अमल चेंजेस बात है वो ये है कि जिस एरिया में ये लोग फिर से आ गए हैं वो हलका हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे वजीर आला है महमूद खान साहब का हलका है ही तो, मगर जहां पर इन लोगों का जहूर हुआ है और जहां पर के कहा जाता है अभी तक कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान की फौज के एक मेजर को भी पकड़ा गया है, एक और भी एक फौजी अफसर उसमें शामिल है, मगर जो डिटेल्स आ रही है मीडिया में जो आया है वो एक डीएसपी को तो जख्मी हालत में उन लोगों ने जख्मी भी किया था, चंद उनके पुलिस वाले भी थे, तीन चार वो बता रहे हैं, उनको फिर आज सुबह शिफ्ट किया गया एक जरगा करके सैदू अस्पताल में जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो ये जो एरिया है ये महमूद खान साहब के घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है, और अब जो इत्तला आ रही है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाके में जो सराउंडिंग एरियाज हैं स्वात के या उस हल्के के जहाँ से महमूद खान का ताल्लुक है वहां पर अब भी उन लोगों की गश्त भी जारी है, वहां पर फायरिंग भी हो रही है। टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दी है, जो सीज फायर ईद के टाइम पे शुरू हुई थी वो सीज फायर खत्म कर दी है, और अब बोला है कि हम ड्यूरेंड लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक यानी कि शरिया पे चलने वाली एक स्टेट, इस साइड भी उस साइड भी, मतलब पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान तो खैर टीटीपी के हाथ में ही है लगभग, तो वो बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बनाने की कैसे बात की ये बताऊंगा मैं आपको। और साथ में ये सीज फायर जो कि हुई थी ईद के आसपास, ईद से पहले और उसके ईद के बाद कंटिन्यू हुई थी, ये क्यों खत्म हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अभी हाल में ISI के कुछ लीडर्स ने मीटिंग की काबुल में तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से। हक्कानी नेटवर्क से जो मीटिंग हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक उमर खालिद खोरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का, और उन्होंने सीज फायर बंद कर दी। उन्होंने बोला क्या, पाकिस्तानी तालिबान ने बोला कि वी विल रिज्यूम अटैक्स टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी एंड विल इम्पोज शरिया लॉ। ये पुरानी डिमांड है कि शरिया लॉ लगे पाकिस्तान में, ये टीटीपी की पुरानी डिमांड है। अब बात यह है कि उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था उस आदमी पे जिसको मारा गया है, खालिद खोरासानी को। और पाकिस्तान को तो आप जानते हो कि जिसके ऊपर इनाम हो आर्मी आराम से अपने आप उसका एड्रेस दे देती है या मरवा देती है, तो ये अमेरिका ने रखा था, ये एक रीजन रहा होगा मरवाने का, मुझे नहीं पता। ये जो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जर्नलिस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर को मारा जाता है, जिसके बाद से उन्होंने ऐलानिया जंग कर दिया है पाकिस्तान के साथ। अब ऐसा रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि 400 तहरीके तालिबान के पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं। TDP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिनका मकसद वही है जो तालिबान का अफगानिस्तान में था। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना मकसद प्राप्त कर लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की, मतलब अफगानिस्तान तालिबान की बहुत सहायता की थी, ऑब्वियसली की थी, डबल गेम खेला था अमेरिका के साथ, और अभी भी अमेरिका से पैसे लेकर अभी तालिबान के एक मतलब कमांडर जो हैं, आपको पता होगा तालिबान के कमांडर नहीं बोलूँगा मैं, जो अलकायदा के कमांडर, उनके ऊपर अटैक किया है आपने देखा होगा। तो पाकिस्तान तो भैया जहाँ पैसा फेंकोगे वहाँ पर वो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो अब ये चीज़ें तालिबान के लोगों को तो पता चली जाएंगी यार कि अफगानिस्तान में अभी भी अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के बिना वो अटैक हो नहीं सकते, ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना एयर स्पेस बिना अड्डे दिए हुए ये सब हो जाए। तो सब कुछ सबको पता चल जाता है। अब तालिबान भी डबल गेम खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तहरीक तालिबान को खुला छोड़ देगा। तहरीक तालिबान पूरी तरह से तालिबान की एक ब्रांच है जिनका मकसद है सेम के सेम कानून जो अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान में लाना, मतलब फुल लोडेड वाला शरिया लॉ। शरिया लॉ बहुत लोगों को बहुत पसंद है। आज आज ही एक खबर आई है कहाँ से, ईरान से, जहाँ पर फुल वाला शरिया लॉ है। वहाँ पर टीवी पर एक ऐड के दौरान, मतलब एक लेडी के, जैसे मेरे ये बाल दिख रहे हैं ना, हिजाब पहनने के बाद इतने बाल दिख गए, तो वहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि पूरी तरह से लेडीज़ को ऐड से बैन कर दिया गया, मतलब कभी भी अब लेडीज़ आएंगी ही नहीं। हिजाब तो वहाँ परमानेंट था लेकिन अब आएंगी नहीं। इस तरीके का लॉ इंडिया में लाया जाए तो ऐसी तैसी हो जाए। कई लोग हिसाब के लिए बोलते हैं ना, मुसलमानों के लिए ऐसा कानून, मुसलमान हालांकि मुसलमान खुश होंगे, डेफिनेटली खुश होंगे, उनको तो शरिया चाहिए, लेकिन जो लोगों को आदत है
जिसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे आदत है, तो उनकी तो बैंड बज जाएगी। तो समझ सकते हो आप ईरान में क्या हालत है। अब हालांकि अब क्या बोलूँ मैं, इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, टॉपिक डिफरेंट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अब करेगी धमाका, मतलब धमाका मतलब जो आगे होने वाला है वो आपको वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।